तो मेरी वालदा आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, बस इतने ही लफ्ज कहे थे, और हमें तो महसूस भी नहीं हुआ उस छोटे से देख के माने क्या होते हैं। वो एहसास तो बाद में आया धीरे धीरे कि बगैर वालिद के साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। हाँ याद है, मुझे कम उम्र का था, 11 साल की उम्र थी, और हम लोग तो यहाँ अपनी सालगिरह मना रहे थे, और वो पोलो खेल रहे थे यहीं दिल्ली ग्राउंड पे, तो मेरी वालदा आई थी, उन्होंने कहा था कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया, बस इतने ही लफ्ज कहे थे, और हमें तो महसूस भी नहीं हुआ उस छोटे से देख के माने क्या होते हैं। वो एहसास तो बाद में आया धीरे धीरे कि बगैर वालिद के साथ जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। वो अजीब हालात थे, नारी कंट्रैक्टर कप्तान थे, और वो डेक्सर के खिलाफ हिंदुस्तान में उन्होंने सीरीज भी जीती थी, तो उनको वेस्ट इंडीज के टूर पे कप्तान बना दिया गया था, और जहाँ तक मेरा ख्याल है सिलेक्टर्स ने ये सोचा कि किसी एक यंगस्टर को वाइस कैप्टन बना दें ताकि अगर वो टीम में रहे तो नारी कंट्रैक्टर के बाद टेक ओवर कर ले। लेकिन वो नारी कंट्रैक्टर को चोट लग गई थी, बाबेरोस के खिलाफ मैच हो रहा था, तो वैसे ही मैं कप्तान बन गया। हालांकि जैसे मैंने कहा, इरादा ये नहीं था कि मैं कप्तान बनूं। उन्होंने बहुत कोशिश की, और फिर अम्मा शायद उनको भाव नहीं देनी थी, उनको लगा ये नवाब लोग पता नहीं कुछ, कांट बी ट्रस्टेड, सो शी वॉज अ लिटिल अनश्योर। और फिर उस जमाने में, नाउ इट्स अ बिट स्ट्रेंज, अब्बा ने अम्मा के घर पे एक नहीं, दो नहीं, सात रेफ्रिजरेटर्स भेजे,